क्वेश्चन नंबर 35, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ना, तो क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ एक्सरसाइज 5.3, यास्मिन सेव्स रुपीज 32 ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, ओके, ध्यान से चेक करिए, जो फर्स्ट मंथ होगा, जो भी होगा, फर्स्ट मंथ में रुपीज 32 उसने सेव किए, फिर सेकेंड मंथ जब आया, सपोज जैन में 32 रुपीज सेव किए, फिर रुपीज 36 इन द सेकेंड मंथ, ठीक है, तो फरवरी में उसने कितने सेव किए, यानी कि जो सेकेंड मंथ होगा रुपीज 36, ओके, सपोज हमने जनवरी से स्टार्ट किया, थर्ड मंथ इफ शी एंड रुपीज 40 इन द थर्ड मंथ, तो थर्ड मंथ में कितना सेव किया उसने, रुपीज 40, चलो बहुत बढ़िया, ठीक, तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ शी कॉन्टिन्यूस टू सेव इन दिस मैनर, अगर ये इसी तरीके से सेव करती रही, सुनो, अगर ये इसी तरीके से सेव करती रही तो इन हाउ मेनी मंथ्स विल शी सेव रुपीज 2000, तो कितने मंथ में वो 2000 रुपये इकट्ठा कर लेगी, सेव कर लेगी, ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए, देखिए जब ये मान लीजिए कि यास्मिन के पास मान लीजिए पिगी बैंक है, ठीक, तो फर्स्ट मंथ में उसने यहाँ पे कितने रुपीज़ पुट कर दिए, कितने रुपए डाल दिए, 32, सेकेंड मंथ में कितने डाले बताइए, 36, थर्ड मंथ में 40, तो इस तरीके से और भी रुपीज़ इसमें जब वो डालती रहेगी तो ये सब ऐड हो जाएंगे, तभी तो 2000 आएगा, तो यानी कि कितने मंथ्स में हमको टोटल अमाउंट 2000 मिलेगा। तो देखिए अगर आप ध्यान से चेक करें तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि सपोज एन मंथ्स में, कितने मंथ्स में, एन मंथ्स में उसकी टोटल सेविंग कितनी हो जाती है, रुपीज 2000, तो लेट अस अज्यूम दैट इन एन मंथ्स शी सेव रुपीज 2000, सपोज एन मंथ में वो रुपीज 2000 सेव कर लेती है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, ये जो रुपीज 2000 दिया है ये क्या दिया है, ये इनका सम ही तो दिया है, और ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये एपी बना रहा है 32, फिर 36, फिर 40, 4 का गैप है, तो ये केपी बना रहा है, a2 - a1 a3 - a2 सब इक्वल है, तो 4 ये केपी बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4, और फर्स्ट टर्म कितना है इसका 32, तो यहाँ पे ए कितना है फर्स्ट टर्म 32 और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 4 है, और यहाँ पर आपको एन मंथ्स तक जब वो सेव करेगी टोटल सेविंग 2000 रुपीज दी है, यानी कि आपको एसएन दिया हुआ है, एसएन कितना दिया हुआ है आपको 2000, एसएन का मतलब आप समझ रहे हो ना भाई, इन सबको आप ऐड करोगे, यानी कि 32 प्लस 36 और प्लस 40, ये रुपीज में चल रहा है सब कुछ, डॉट 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 अप टू कौन से टर्म्स तक, अप टू एन टर्म्स, तभी तो आपको कितना मिलेगा रुपीज 2000, बात समझ में आई कि नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये जो 2000 है ये क्या है, एन टर्म्स का सम है, ओके। अब एसएन का यहां फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, एन बाय टू इन द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इन टू डी इज इक्वल्स टू 2000, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे सॉल्व, एक काम करते हैं, देखिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है क्योंकि एन मंथ्स में रुपीज 2000 सेव हो जाते हैं उसके पास, ओके, तो एन बाय टू इन द ब्रैकेट 2 इंटू ए, ए कितना है 32, तो 2 इंटू 32 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, ओके, इज इक्वल्स टू 2000। नाउ अब देखिए आप कॉमन ले सकते हो, अंदर से 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, 2 क्या ले तो आप 4 भी कॉमन सकते हो, 4 ही ले लें क्या, चलो अभी 2 ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एन बाय 2 बाहर था और अंदर से 2 आएगा कॉमन, तो ये 2 बाहर चला गया, कितना बच गया 32 और प्लस एन माइनस 1, एक 2 चला गया, एक 2 बच गया, इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2000, ओके, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, करेक्ट। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए हो गया हमारे पास n इन द ब्रैकेट 32 को आप 16 इंटू 2 लिख लीजिए और प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 2000। अब आप फिर से अंदर से 2 कॉमन ले सकते हो, एक ही साथ मुझे ले लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, 4 कॉमन ले लेना चाहिए था, अब नहीं लिया तो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। देखो ये हो जाएगा आपके पास n इन द ब्रैकेट, पहले इतना कॉपी कर लो, देख लो जिसको देखना हो फटाफट, देख लिया, चलो n, अब देखो अंदर से 2 कॉमन ले लो तो 2 बाहर आएगा, 2 इंटू n हो जाएगा, तो 2 इंटू n या n इंटू 2 कुछ भी कर सकते हो आप, यहाँ से 2 चला गया, यहाँ 16 बचा और प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, 2 कॉमन हो गया तो यहाँ एन माइनस 1 बचा, एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2000, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, ये 2 इधर मल्टीप्लाई पूरे में, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड,
तो लेफ्ट में हमने 2 से डिवाइड किया और राइट में हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया n, और इन द ब्रैकेट देखिए 16 माइनस 1 15 हो जाएगा और 15 प्लस n हो गया, यानी कि n प्लस 15 हो गया, तो n प्लस 15 ब्रैकेट में बच गया इज इक्वल्स टू यहाँ कितना हो जाएगा 1000, तो ये हो गया आपके पास कितना 1000, ओके। अब देखिए n इंटू n, n स्क्वायर प्लस 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 n इंटू 15, 15n इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1000 हो गया, करेक्ट। अब ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो हम यहाँ पे n की दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ओके, और चेक करेंगे कि अगर n की कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आ रही कौन सी नेगेटिव, नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव वाले को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। मतलब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ही तो हो सकती है ना केवल, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या होगा देखते हैं। देखिए 1000 को लेफ्ट में लेके आइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर और प्लस 15n और माइनस 2000 इज इक्वल्स टू जीरो, 2000 नहीं है सॉरी 1000 है, ठीक है। 1000 को आप लेफ्ट में लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना, इधर पॉजिटिव है लेफ्ट में लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने में, ठीक है। ध्यान से चेक करिए, ये माइनस 1000 लिखा है तो माइनस 1000 को आप n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिल जाएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस 1000 एन स्क्वायर, ओके। एक सेकेंड मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो ये नॉइस ले लेगा। चलो आ गई लाइट, कोई बात नहीं, ठीक है। तो माइनस 1000 एन स्क्वायर, ओके। अब देखिए आपके पास मिडिल टर्म में क्या है, 15n, तो 15n को आप ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि आपको एडिशन पर कितना मिल जाए 15n और मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस 1000 एन स्क्वायर मिल जाए। तो देखिए अब नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्या करो इस 1000 के प्राइम फैक्टर करके रीअरेंज कर लो उसको, मैंने जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जाके ठीक से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ें। देखिए यहाँ आ जाएगा 500 और यहाँ आ जाएगा कितना 250, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब प्राइम फैक्टर निकाल लो ना इसके, तो 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 2 1 2 2 2 5 ज़ा, अब किससे जाएगा भाई ये 2 + 1 कितना होता है 3 5, ये 5 से जाएगा, ठीक है। तो 5 2 ज़ा फिर 2 जाएगा, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा और 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, करेक्ट। यानी कि ध्यान से चेक करिए कि 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, कुछ ऐसा 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अब देखो इसमें से आप कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट लेके क्या ऐसा दो नंबर जनरेट कर सकते हो जिनको एडिशन या सब्सट्रैक्शन पर कितना आ जाए 15 आ जाए, हाँ कौन कौन से नंबर होंगे बताइए। हाँ बिल्कुल सही, देखिए एक तो हो गया है 25, बिल्कुल सही, थोड़ा रीअरेंज करना पड़ता है, 5 5 ज़ा 25, यानी कि और क्या बचा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, 40 × 25 अगर हम करें तो हमको 1000 ही तो मिलता है। अब आपको साइन डिसाइड करना है, तो देखिए आपको क्या लाना है 15n पॉजिटिव लाना है, यानी कि बड़े नंबर का साइन हम कैसा रखेंगे पॉजिटिव, तो 40 कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो 40n और माइनस 15n सॉरी माइनस 25n, सही है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि 40n माइनस 25n क्या होता है 15n होता है, और अगर हम मल्टीप्लाई करें किसको 40n को किससे माइनस 25n से, तो आपको माइनस 1000n स्क्वायर ही तो मिलेगा, माइनस 1000n स्क्वायर ही तो मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बहुत सीखा था, ठीक है। तो यहाँ बस मैंने ऐसे ही रिवाइज करा दिया इसको, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर प्लस 15n की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 40n और माइनस 25n माइनस 1000 इज इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से आपको कॉमन मिल रहा है क्या n, तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 40, ओके। और यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे माइनस 25 कॉमन लीजिए, तो माइनस 25 यदि आप कॉमन लेंगे तो ये n यहाँ पे पॉजिटिव बचेगा, तो यहाँ पे n हो जाएगा, और ये माइनस कॉमन लिया था आपने तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 25 × 40 1000 होता है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 40 बच जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट टर्म है n प्लस 40 आ रहा है, ये सेकंड टर्म है n प्लस 40 कॉमन हो जाएगा, तो n प्लस 40 कॉमन हो गया, तो ये फर्स्ट टर्म में क्या बचा यहाँ n
माइनस सेकेंड टर्म में 25 इज इक्वल्स टू जीरो. अब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो, या तो ये जीरो होगा या तो ये. अगर n प्लस 40 जीरो होगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 40, ठीक है. और अगर n माइनस 25 जीरो होगा तो n की वैल्यू माइनस 25 को राइट में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 25. ओके, अब मुझे आप बताइए कि इनमें से हम कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करें, 25, क्योंकि n हमेशा कैसा होता है, नेचुरल नंबर होता है या पॉजिटिव इंटीजर होता है. ओके, तो माइनस 40 आप इग्नोर कर दीजिए. ओके, तो हम फाइनली क्या लिखेंगे कि हेंस इन 25 मंथ शी सेव्स रुपीस 2000. ओके, तो 25 महीने लगेंगे उसको अगर वो इसी मैनर में सेव करती रही 2000 रुपये इकट्ठा करने में. ओके, कर लीजिए.